राज्यों में बाढ़ लैंडस्लाइड से 56 मौतें, मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा, दो जगह बादल फटे, लद्दाख में 450 साल पुराना घर गिरा, दिल्ली पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई है। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वही सोलन में 9 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में कई नदी नहरें खतरे के निशान से ऊपर हैं। दो जगह बादल फटा है। पंजाब में सतलुज दरिया के पास बसे 15-20 गांव खाली करा लिए गए हैं। वहीं लेह लद्दाख में भारी बारिश के चलते 450 साल पुराना घर गिर गया। हिमाचल में 46 घर जमीनों दर्ज हो गए। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं कुल्लू के कसौल में 6 गाड़ियां पानी में बह गई। देश की कुल बारिश अब सामान्य से अधिक हो गई है। 9 जुलाई तक सामान्य बारिश 239 मिमी होती थी, अब आंकड़ा इसे पार कर 243 मिमी हो गया है, जो 2% ज्यादा है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के करीब पहुंचा। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू, 3 दिन से बंद थी। पंजाब में लुधियाना में भारी बारिश के चलते सोमवार को स्कूल बंद। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई। दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट रूम में पानी लीकेज के चलते उन्हें शिफ्ट किया गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गर्वी गुजरात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर उन वीर शहीदों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उन लोगों को नमन करने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ये तिरंगा यात्राएं उन वीरों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी, और जो वीर, जो हमारे सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, उन सभी सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए, और आज पंचकुला के अंदर जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, शहीद मेजर संदीप सांकला चौक तक ये यात्रा संदीप सागर चौक से शुरू होकर ये पहुंचेगी। हजारों की संख्या में युवा इस मातृभूमि के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पैदल मार्च करके अपने वीरों को सम्मान देंगे। यार फ्रेम खराब कर रहे हो यार आप। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।